दोस्तों इंडिया में 5 बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया एंड BSNL। इन पांचों ने सरकार के आदेश के बाद अपना सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करने के बारे में ऐलान किया है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फ्री सर्विसेज के तहत आपको क्या सब मिलेगा और आपको क्या कौन कौन सी बेनिफिट मिलेगी और कितने दिनों तक ये फ्री सर्विसेज रहेगी। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब लिखे सब्सक्राइब बटन होंगे, देन उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए ऑफर आपके लिए लाते रहें। तो मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का बिहारी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले BSNL आती है, जिन्होंने कहा कि हम सभी BSNL यूज़र को 10-10 रुपया देंगे और अगर उनकी प्लान की वैधता खत्म हो गई है तो हम उनको उनकी प्लान की वैधता को अगले 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा देंगे और उनकी आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स चालू रहेगी। और यहाँ पर एयरटेल की बात आती है तो एयरटेल ने कहा कि हम जो है सभी एयरटेल यूज़र को इनकमिंग कॉल की सुविधा 17 अप्रैल तक करेंगे। जी दोस्तों, BSNL से 3 दिन कम 17 अप्रैल तक करेंगे और सभी यूज़र को 10-10 रुपया देंगे। और सेम टू सेम आइडिया और वोडा ने भी यही कहा कि हम सब कुछ सेम टू सेम प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद हम सभी यूज़र को 10-10 रुपया देंगे। फिर BSNL ने जो कहा कि हम जो है फिर BSNL ने थोड़ा सा और फैसला बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम 20 रुपया देंगे और 20 अप्रैल तक देंगे, मतलब 20 अप्रैल तक के लिए प्लान की वैधता बढ़ा देंगे। और यहाँ पर जियो की बारी आती है तो जियो ने कहा कि हम सभी यूज़र को 100 मिनट देंगे बात करने के लिए और 100 SMS करने के लिए देंगे, देन उसके बाद कुछ और नहीं देंगे और ये सर्विस देंगे हम 17 अप्रैल तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात आती है कि ये सभी सर्विसेज जो है इतना छोटा छोटा सर्विसेज, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और सर्विसेज बस इतना छोटा छोटा, आई थिंक इंडिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी अभी पैसे नहीं इस कोरोना वायरस के महामारी के चलते, उसके पास रिचार्ज करवाने के लिए भी पैसे नहीं। अगर ऐसे में उसकी कॉल की सुविधा बंद हो जाए, मतलब कि बात करना कम्युनिकेशन में रखा गया ताकि एक दूसरे की बातें हम जान सकें, अगर उनकी मोबाइल की वैलिडिटी या समझ लो आउटगोइंग इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है तो इस टाइम उनके पास सब्ज़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, देन अगर उनके पैसे अगर उनके फ़ोन के प्लान की वैधता समाप्त हो जाती है तो वो सब्ज़ी खरीदेगा या फ़ोन को रिचार्ज कराएगा। ऑफिशियल सी बात है कि वो सब्ज़ी खरीदेगा क्योंकि उनके लिए सब्ज़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सभी कंपनीज़ को कम से कम 1 महीने के लिए सभी यूज़र के लिए ये ऑफ़र फ्री में रखना चाहिए, बिल्कुल फ्री, और मतलब सब कुछ फ्री देना चाहिए। आई थिंक डाटा वाटा जो भी है सब फ्री देना चाहिए क्योंकि जो लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्प हो जाता। तो दोस्तों ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि कंपनी इतना बड़ा बड़ा और ऑफर छोटा छोटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर किसी को बाय, जय हिंद, जय भारत।